हे गाइस वेलकम टू चैनल मेक व्लॉग्स। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे, जो कि आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होगा, तो वीडियो को बने रहो इस वीडियो के साथ। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5 o'clock, जैसे कि देख सकते हो लोग चल रहे हैं, जहाँ पे चलेंगे वहीं का व्लॉग दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वहीं पे, और अभी मुझे कपड़े पहनने में टाइम नहीं लगता है, मैं तैयार क्यों हम लोग तैयार हो गए, हम लोग चल रहे हैं वहीं पे, उसी जगह पे चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, और आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होगा आज का व्लॉग। तो आज सबसे पहले देखते हो वीडियो और चलते हैं वहीं पे। चैनल निखिल ब्लॉग्स, और आज आए हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे ये है बनारसी टी स्टॉल, जो कि कानपुर में की बहुत ही फेमस चाय है। और जब हम यहाँ आए हैं और देखेंगे, पूरा कवर करेंगे कि ये चाय की शॉप कब खुली थी और कौन है इसका ऑनर, तो देखते हैं पूरा प्राइस क्या है और किस जगह पे दुकान है। ये शॉप पड़ती है यहाँ पे पीछे है मेरे, ये 5 नंबर घुमटी पड़ता है, तो यहाँ पे ये शॉप पड़ती है। और ये इस रोड का नाम है 80 फीट रोड, ये पूरी रोड इसका नाम है 80 फीट रोड। तो आज हम पूरी इस चाय की शॉप को कवर करेंगे, जो कि कानपुर के लोगों को बहुत ही ये चाय फेमस लगती है और बहुत ही भीड़ लगती है। जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, अभी ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब अभी भीड़ फिलहाल नहीं ज़्यादा। तो ये जब शाम को या दोपहर में अधिकतर चाय इसमें, मतलब 12 घंटे टोटल पूरा, मतलब भीड़ लगी रहती है, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो। अभी तो वैसे फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है, अभी 8-9 बजे तक बहुत ही भीड़ हो जाती है। तो पहले पूरी इस दुकान को कवर करते हैं, तो इसकी हिस्ट्री बताते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब ये शॉप खुली थी, कौन इसका ऑनर है, और यहाँ पे चाय कितने रुपए की मिलती है, कैसी चाय है, पूरा आज उनको मस्त व्यू देते हैं। तो बने इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और देखो पहले वीडियो को पूरा है। चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। भैया हम लोग कुल्लड़ वाली चाय पी रहे हैं, तो चाय का टेस्ट तो एकदम एक नंबर है। और एक्चुअली ये चाय 18 रुपये की, यहाँ पे भीड़ एक्चुअली देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह भीड़ है। और अभी तो टाइम नहीं है भीड़ का, भीड़ एक्चुअली होती है 8-9 बजे के बाद होती है, और दिन भर इतनी भीड़ रहती है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं सुबह आया हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में आराम रहेगा, इसलिए मैं सुबह आया हूँ। तो भैया चाय का टेस्ट तो एकदम भासु है, तो कानपुर आइए तो चाय ज़रूर पीजिए, वो भी बनारसी टी स्टॉल की, ये बहुत ही फेमस चाय है। देखो कितना मस्त सीन है,
बहुत लोग गौर करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ को इग्नोर करते हुए हम लोग बनाते हैं। तो भाई हम लोग चाय पी चुके हैं, जो कि चाय थी बहुत ही मस्त। इसको हम लोग स्टार देते हैं 5 out of 5। तो एक्चुअली इसकी कुछ हिस्ट्री मैं बताता हूँ। ये चाय की शॉप थी सबसे पहले मोती झील पे, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया है मोती झील का, तो वहीं पे जो एक चौराहा है मोती झील चौराहे पे, वहाँ पे शॉप थी, जो कि इनके दादाजी ने, जो भाई अंकुर भाई हैं, इनके दादाजी ने खोली थी 1952 में, और इनके पिताजी ने चलाई, और फिर आप इस समय ऑनर है भाई साहब अंकुर जी, इसके ऑनर हैं। तो ये अब शॉप यहाँ वहाँ से हट के यहाँ पर आ गई है इस रोड से, इसका नाम है 80 फीट रोड। ये एक्चुअली रोड यहाँ इस तरफ मेरे पीछे 5 नंबर घुमटी पड़ता है, वहाँ पे रोड है। अगर आप कभी भी कानपुर आइए, अगर आप कानपुर से ही हैं तो ज़रूर विज़िट करिए एक बार चाय। अगर एक बार चस्का लग गया भाई साहब तो चाय आप डेली पीने आएंगे, तो चस्का एक बार लगवाइए, एक बार आप चस्का लगवाइए तो चाय डेली पिएंगे आके। और कानपुर की सबसे फेमस चाय है, अधिकतर यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं तो चाय डेली पीते हैं, लमसम कभी अगर फंस गए तो नहीं पीने आते, लेकिन अधिकतर यहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं। अभी तो इतना भीड़ नहीं है यहाँ पे, जब 7-8 बजे के बाद में यहाँ पर शाम तक नाइट तक 10 बजे तक ये शॉप खुली रहती है, 10-11 बजे तक शॉप ये खुली रहती है। तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आप देख सकते हो, मतलब दिन भर चाय बिकती है यहाँ पर, कोई बंदा दिन भर चाय नहीं बेच पाता, लेकिन यहाँ पर इस शॉप पर दिन भर चाय बिकती है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और कुछ एक अंकल जी से मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं, ये हमारे सब बगल में अंकल जी खड़े हैं, उनसे मिलाते हैं, हमको पूछते हैं कैसा क्या है, उन्होंने बताते हैं कि कितने साल से पी रहे चाय वगैरह वगैरह। तो हाँ जी अंकल जी, आपको चाय कैसी लगती है? आज से नहीं, 10 सालों से अच्छी है। अच्छा, और हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये अंकुर भाई जो दुकान इस समय काउंटर में है। अच्छा, हर दिल अजीज है। हाँ, हर दिल अजीज मतलब हर आदमी के प्यारे हैं। अच्छा, आप कितने साल से पी रहे हैं? करीब करीब 20 साल आपको चाय पीते पीते? पहले मोती झील में पीते। अच्छा, मोती झील पे थी दुकान है यहाँ पे? दुकान थी। अच्छा, उनके पिताजी के चाचा जी बुलाते थे। अच्छा, तो उसके बाद तो ये यहाँ के सामने आ गए। अच्छा, इनकी दुकान सामने थी। हाँ, सामने का जब सब खत्म हो गया तो आप डेली पीने आते हैं फिर चाय? लगभग डेली डेली आप लोग आते हैं? आप भी अंकल? अरे दवाई आई नहीं है। आपको कैसी लगती चाय? अरे बहुत बढ़िया है, इनके मुकाबले पूरे कानपुर में कहीं चाय नहीं मिलती है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलाई खूब देते हैं, चाय मिलाई देते हैं। और ये तो भाई कुछ सीन कुछ ऐसा है, जैसा कि अंकल जी ने कहा, आप देख सकते हैं चाय बहुत ही पुरानी और लोगों को इतनी पसंद आती है चाय। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने घर। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो इसलिए बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है इसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो में बताया करो कि कमेंट जो होता है कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ। कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, पता कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कमेंट क्या कैसे करते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो जब आई मेरी चल रही होगी तो कोने में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको दबाना, बहुत ही मज़ा आता है, उसको दबा देना और कमेंट बताना वीडियो कैसी लगती है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि बाहर के हैं कानपुर आते हैं घूमने के लिए, तो उनको बताओ कि चाय यहाँ पे पियो, विज़िट करो चाय को, मतलब एकदम मस्त था। आप कमेंट बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और जो अब यहाँ पे मतलब रेड कलर का सब्सक्राइब बटन हो रहा होगा यहाँ पे दबा दो, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे रेड कलर का, उसको दबा दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।